तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ 3D VR बॉक्स की। तो ये आपको कम प्राइस में 3D VR बॉक्स मिल जाता है विथ रिमोट के साथ। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग तो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सामने लिखा है VR बॉक्स और नीचे लिखा है एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू चेंज अनदर आईज लुकिंग टू दिस वर्ल्ड। बॉक्स ही बहुत बड़ा है तो इसको चलो ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। सामने फिर आपको बॉक्स VR मिल जाता है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालो। सामने का VR लिखा हो मिल जाता है। VR है इसको साइड में रखता हूँ मैं। तो आगे चलता हूँ अंदर देखता हूँ। तो अंदर आपको अंदर की तरफ क्या मिलता है। अंदर फिर आपको एक मैनुअल कार्ड मिल जाता है। इससे यूज करते हैं इसको। मैनुअल कार्ड मिल जाता है इसको साइड में रखते हैं। अंदर की तरफ और कुछ मिलता है। एक अंदर की तरफ आपको एक लेंस साफ करने का एक पेपर मिल कपड़ा मिल जाता है। उसको भी साइड में रखते हैं और VR की तरफ आते हैं। ये है हमारा VR बॉक्स। इसको ओपन कर लेते हैं। पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रही है। इसी में ओपन करता हूँ। रिमोट भी मिलता है आपको। देख सकते हो रिमोट है बहुत ही छोटा सा है। रिमोट वहाँ देखिए छोटा सा रिमोट मिल जाता है आपको। एक छोटा सा फोकस हो जाता है। ये बहुत छोटा सा रिमोट है। आप इससे गेम प्ले कर सकते हो। गेम खेल सकते हो। इसको भी साइड में रखते हैं अंदर और चलते हैं आगे। तो इसको हम खोल लेते हैं। इसको निकालने के आपको सामने की तरफ VR देख सकते हो। ये VR बॉक्स आपके सामने की तरफ लिखा हुआ है VR बॉक्स। और ये हमारा पीछे की तरफ आपको मिलता है दो लेंस। और ये एक तो ये आपको मिलता था एक स्पंज। जैसे आप इसे पहनोगे तो आपको अच्छा फील होगा एकदम स्पंज। तो ये देखिए लेंस मिल जाता है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो लेंस को। ये देख सकते हो आप कंट्रोल कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पर आप अपना मोबाइल लगा सकते हो। मैं साइज से अपना कितना साइज है लगा सकते हो। मोबाइल लगाने के आप उसके अंदर डाल देना और आप यहाँ पर अपना 3D CD मूवी चालू कर देख सकते हो अपना। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अगली वीडियो देखना है तो आप इसमें जाकर देख सकते हो। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये देखिए एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर चाहे तो अपने आपको एक ये मिलेगा मैनुअल का। उसके अंदर भी आपको एक बार कोड मिलेगा। उस उधर जाके आप इसको स्कैन करके आपका जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और आप ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हो। तो अभी नेट चाहिए उसके लिए। तो हम इस पर जाके अपने एल्बम में जाकर लोकल एल्बम में जाकर अपने जो वीडियो सेव किया वो भी देख सकते हो 3D में। तो मैं इसको ले लेता हूँ सिंपली क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है आपको 3D में प्ले करना है। तो सिंपली ये आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर लेना और ये 3D आपको दिख रहा होगा। और मैं आपको क्या करना है आपको सिर्फ ये निकालना है आपका VR का। तो निकाल के आपको उसमें डाल देना है लगा देना है। लगाने के आप देख सकते हो तो पूरा जो 3DS आ रहा है आप देख सकते हो। मैं सोचे इसको राउंड राउंड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो पूरा हो रहा है। अब इसके अंदर डाल के आप ना 3D वीडियो मजे उठाइए इसका। अगर आप गेम प्ले भी देखना चाहते हो तो गेम प्ले आपको क्या करना है रिमोट। अब आप 3D में गेम खेलना चाहते हो सिंपली आपको क्या करना है। ये आपको जो रिमोट मिलता है उसके साथ इसको ये ब्लूटूथ वाला है तो इसको आपको ऑन करना है। सो पुश करके रखना है 5 सेकेंड तक। और ऑन होने के बाद ये कुछ लाइट ब्लिंक होगी ब्लू कलर की। मैंने आपको मोबाइल के अंदर जाना है अपने मैंने अपने मोबाइल के अंदर जाके आपको ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। ब्लूटूथ ऑन होने के बाद ये जिसका नेम रहेगा वो ये रहेगा।
किधर है यहाँ, गेम पैड। ओके ये गेम पैड पर आपको क्लिक करना है, देखिए कनेक्ट हो चुका है, इधर लिखा हुआ भी आया कनेक्टेड, और ये देखिए कनेक्ट हो गया। अब जैसे इसमें कौन सा भी गेम खेल सकते हो, तो मैं इसमें आपको GTA 3 और GTA San Andreas प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप जैसे टच करोगे तो लाइट ब्लिंक होगी, देखिए ऑन हो गई, और इसको हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए मैं अगर ये वाला इसको दूंगा तो ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो गाड़ी आ ऑटोमेटिकली चल रही है, इधर से मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसमें आप VR में लगा के प्ले कर सकते हो, तो आपको 3D गेम दिखेगा अच्छे से एकदम। कौन सा भी खेल सकते हो एसफाल्ट 8। तो मैं फाइनली मैं GTA San Andreas खेल रहा हूँ। जब आप इसको पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लुक देगा, और ये कंफर्टेबल भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे में रोजाना टेक वीडियोस लाता रहता हूँ।